अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि असल रबरको इतिहादी में आप सभी का खैर मकदम है आज बलगाम में हैदराबाद की मशहूर शख्सियत सैयद ऐब साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं थी सभी ने देखा कि जिस तरह से जो फ़लस्ती के मामले को लेकर न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी एक तरह की बेचैनी देखी जा रही थी लोगों में यह तजस था कि किस तरह से वहाँ तक पहुँच कर उनके खिदमत उनकी मदद की जाए लिहाजा ये एक काबिल सतदाम की जानब से रहा सर और आपने जो भी खदमत अंजाम दिए तमाम दुनिया ने देखी अपनी माथे के आंखों से और सभी ने सराहा है आप बेलगाम आए हैं तो आपका बेलगाम आने का मकसद क्या है और आपने जो खिदमत अंजाम दिए उस तल्लु से बताइए जी बेलगाम का मेरा रिश्ता ऐसा जुड़ा जब फलसतीन का इमदाद का काम हो रहा था तो यहाँ के लोग मेरे पर मेरे पास आए अलमदिल्ला आकर ये बोले कि भाई हमने कुछ रकम जमा की जमा की वो आपके हवाले करना चाह रहे तो मैं उनसे पूछा कि भाई मेरे हवाले क्यों करना चाह रहे आप तो ऐसे कई तनजीमें हैं उनके हवाले नहीं भाई आप जो काम कर रहे हैं ये तारीफ काबिल हैं आप हम लोग के ऊपर जितने भी लोग भरोसा कर कर हमको अमानत दिए हैं वो अमानत के ज़रिए से हम आप तक पहुँचे हैं लिहाजा मैं बोला कि ठीक है इन वो अमानत के ज़रिए से हम लोगों ने यहाँ के बेलगा के नौजवानों की

आप वहाँ तक पहुँचे कैसे क्या जरिया रहा है जी देखिए हमारा काम जब स्टार्ट हुआ रमजान में स्टार्ट हुआ हमारा काम तो हम लोग भी पहले यही सोच रहे थे कि पहुंचेंगे कैसे तो जब हम लोग घर से निकले यानी हम लोग रास्ते पे निकले तो हम लोगों को मंजिलें मिलती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इजिप्ट तक हमारा रास्ता तय किया इजिप्ट से हमको पता चला कि कैसा हम उनकी वहां पर इमदाद पहुंचा सकते हैं तो हम लोगों ने इजिप्ट के जरिए से उन तक इमदाद पहुँचाई माशाल्लाह अभी भी हमारा काम जारी है और यहाँ के लोगों में जो सवालत उठ रहे थे तो देखिए भाई सवाल तो हर कोई उठा सकता है आप भी चाहे किसी के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं सवाल करना अलग बात है लेकिन तनखीद करना अलग बात है सवाल करिए आप आप कैसा पहुंचे और कैसा आप इमदाद पहुंचा रहे मैं आपको जवाब दूंगा लेकिन तनखीद कर रहे मैं उसकी जवाब ही नहीं दूंगा मैं आपको क्योंकि आप मेरे पास आए वो नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको काम देखना है मेरा तो देख लीजिए आम है मेरा काम चला आप कैसा कर रहे हैं पूछिए मैं उसका जवाब दूंगा तरीका बताऊंगा आप भी करना चाहते हैं तो वो काम का तरीका मैं भी बताऊंगा जवाब दूंगा जी हमने ये भी देखा तो मुकदमे भी दायर किए गए इस दरमियान भी जो रुकावटे आई हुकूमतों की जानब से हो या फिर परस्तों की जानब से हो इस पर आप क्या करें नहीं हुकूमत की जानब से तो कोई रुकावट नहीं आई अलहमदुल्ला रोकने की कोशिश किए थे कोशिश किए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये।, ये तो देखे होंगे आप लोगों ने कि मैं अभी भी मेरा काम जारी है इनशाला आगे भी जारी रहेंगे रुकावट आई थी लेकिन अल्लाह के फल से रुकावट रुकावट नहीं रही मेरा काम जारी रहा अल्लाह की मदद होती रही इनशा आपके जरिए से लोगों तक का फलस्तीन को लेकर कुछ बातें ये भी कि हाँ चलो भारत से इनके मुल्क हिंद से भी कुछ लोग वहाँ तक पहुंचे फिलहाल क्या कैफियत है सर देखिए हर हर दस मिनट में वहाँ पर झुलम होता है हम तो यहाँ पर आराम से है खा रहे हैं पी रहे हैं तो वहाँ पर हम अब आप तो देख रहे होंगे ना कोई भी उनकी खुलकर जैसो वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता अभी एक मीडिया से है तो हमको उनकी आवाज़ दबाने के लिए कहा जाता है यानी सोशल मीडिया के जरिए से रहने दो यानी आप कौन से भी प्लेटफॉर्म से ले लो आप कोई वीडियो डालेंगे तो 10 मिनट में आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाती तो मैं वहां पर ये हालात देखा के हर 10 मिनट में वहां पर बमबारी होती है हर वहाँ पर जो इंसानियत जो बस रही है उनके लिए खाने खाने को वो लोग तरस रहे हैं पीने पीने को वो लोग तरस रहे हैं उनके पास कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं रहा ना स्कूल रहा बस उनके ऊपर जुल्म जी अभी जो बेलगाम के नौजवान आपके साथ जुड़े हुए आप उनकी किस तरह से रहबरी करेंगे क्या हिदायत हिदायत रहेंगे आपके और किस तरह से आपका ताउन रहेगा मैं पहली बात तो यही बोल रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ पे जितने भी ये लोग तंजीम बना के काम कर रहे हैं मैं पहले बोलता हूँ इंसानियत के लिए काम करिए इसमें कोई मज़हब को मत देखिए इंसानियत के लिए काम करिए वो चाहे कोई भी मजहब का रहना भूखा मर रहा है भूखा भूख भुक से वो लोग वो मर रहा है तो आप उस उन तलक खाने का काम करिए पानी का इमदाद करिए इलाज के लिए तो जो तड़प रहा है उनके लिए इलाज आपसे जो मदद हो सकती है वो मदद उन तलक करिए इसमें कोई मज़हब मत देखिए अलहमदिल्ला आप भी हमारे काम देखे होंगे हम इसमें कोई मजहब को लेकर जो काम नहीं करते इसमें हम पूरी इंसानियत को लेकर काम करते हैं हमारे पास ऐसे कई नॉन मुस्लिम्स भी आते हम उनको भी अलमदिल्ला लाखों रुपए से अल्लाह के फजल करम से मदद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ये थे सैयद ऐयूब साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से फ़लस्ती के हालात हैं और बेलगाम में भी एकता फाउंडेशन के नाम से इन्हीं की रेवरी में एक टीम काम कर रही है और उनके पीछे इनका सपोर्ट भी है उम्मीद करते हैं कि जो काम यू एच अंजाम दे रही है वो और भी मज़ीद आलमी सतह पर आप काम करें दुआएँ हमारे साथ हैं इतहादूल देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़